hello everyone how are you all welcome to my youtube channel social science with taposhi so today uh, i am continuing this chapter that is chapter number 19 india and the outside world in the part one we have already discussed about the our contact with the west and uh, our contact uh, with china with the central asia in the in this video I am going to discuss about India's contact with Sri Lanka, Asia, and China, and uh, our contact with the South Asian countries, South uh, East Asian countries. So, in the so at first, India's contact with Sri Lanka. Now, about India's contact with Sri Lanka, India started setting in Sri Lanka from 6th century BCE onwards. 6th century BCE se hi India. Ne सेटिंग अप आ, वहाँ पे श्रीलंका में रहना शुरू कर दिया था और द रूलर ऑफ बंगाल कॉन्कर श्रीलंका जो बंगाल के रूलर थे उन्होंने श्रीलंका को कांकर किया था और वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी सिंगल डायनेस्टी अशोका सैंड अशोका ने भी अपने सन महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था टू प्रीच बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म फैलाने के लिए अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था द रूलर ऑफ श्रीलंका जो श्रीलंका का रूलर रूलर थे टीसा उन्होंने भी डेलीगेशन भेजी थी टू मीट अशोका उन्होंने अशोका से मिलने के लिए वहाँ पे डेलीगेशन भेजी थी और ये सिर्फ इतना ही नहीं इसका प्रूफ भी मिल रहा है इसका प्रूफ कहाँ मिल रहा है दो बुक्स हैं महावंशा और दीपावशा ये मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ऑफ आवर रिलेशन विथ श्रीलंका ये नेम्स आपको याद रखना है कि किन दो बुक्स हमको, आ, से हमको महावंशा और से वंशा से हमको मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि, कि हमारा श्रीलंका के साथ ट्रेड रिलेशंस था या श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस थे द बुद्धिज़्म हैव बिकम वेरी पॉपुलर देयर वहाँ पे बुद्धिज्म जैसे कि बाकी वेस्ट के साथ हमने पढ़ा ये हमारी सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कांटेक्ट पड़ा यहाँ पे भी श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म वेरी पॉपुलर था ए बुद्धिस्ट मोंग ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का एक बुद्धिस्ट मोंग था बुद्ध गोष्ट जिन्होंने रोड द कमेंट्रीज ऑन जताका जताका में उन्होंने जताका जा जो स्टोरीज होती है उस पर कमेंट्रीज लिखी थी लेकिन वो मोंग कहाँ का था श्रीलंका का मोंग बुद्ध घोष जिन्होंने जा तक जो स्टोरी होती उन पे कमेंट्रीज भी लिखी थी और इनके बारे में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है महावंशा और दीपावशा नाउ इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ चाइना इन चाइना के साथ इंडियाज कॉन्टैक्ट ये हमने पिछले में भी पढ़ा था जैसे खोटन कुछ जगहों के नाम बताए थे जिससे हमारे इंडिया का कॉन्टैक्ट था ट्रेड रिलेशन से कल्चरल ट्रेड रिलेशन से तो ये हमारा जो इंडिया के साथ चाइना कॉन्टैक्ट था ये 65 फाइव में ही शुरू हो गया था मैनी चाइनीज़ स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स बहुत सारे चाइनीज़ विद्वान और ट्रेवलर्स हमारे इंडिया में आए थे फॉर एग्जाम्पल हेनसांग आई सिंह फाहयान ये सारे इंडिया में आए थे एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर और इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर की स्टडी की थी एंड डॉक्टराइंस और उनकी शिक्षा को भी उन्होंने स्टडी किया था अब इनके साथ हमारा कांटेक्ट हम मैं आपको बता रही हूँ मैनी बुद्धिस्ट मोंग इसी तरह बहुत सारे बुद्धिस्ट मोंग चाइना भी गए थे चाइना से हमारे इंडिया आए थे क्या स्टडी करने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर और डॉक्टर कहाँ से आए चाइना से इंडिया आए और यहां से हमारे इंडिया से बुद्धिस्ट मोंग चाइना गए किस लिए बुद्धिज्म फैलाने के लिए हो गया ना कॉन्टैक्ट चाइना से इंडिया आए और इंडिया से चाइना गए और हमारे इसके साथ पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस भी थे चाइना के साथ इंडियंस ने हमने क्या क्या सीखा चाइना से आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग सिल्क मेकिंग स्कल्पचर एंड पेंटिंग ये सारी चीज़ हमने चाइना से सीखा और चाइनीज़ ने इसके बदले हमसे क्या लिया क्या सीखा आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग कॉटन कैसे ग्रो करते हैं ये हमसे सीखा और हमने क्या क्या सीखा यहाँ से आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग सिल्क मेकिंग स्कल्चर और पेंटिंग इसके साथ साथ चाइनीज़ ने लर्न किया आर्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्टराइंस फ्रॉम इंडियंस इंडियन से उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर और डॉक्टराइंस शिक्षाएं भी लर्न करी तो यहाँ पे आपका कांटेक्ट हो जाता है क्वेश्चन आंसर में आपका ये पार्ट में क्वेश्चन भी है इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ चाइना तो आप उसमें लिख सकते हो कि चाइनीज चाइनीज से इंडियंस ने क्या सीखा और इंडियन से चाइनीज़ ने क्या सीखा चाइनीज स्कॉलर्स और ट्रेवलर्स इंडिया में क्यों आए थे स्टडी करने आए थे बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्राइन्स और बुद्धिस्ट मॉग चाइना में क्यों गए थे तो इस तरह से आपको uh, पता चल जाएगा इंडियाज कॉन्टैक्ट चाइना के साथ अब इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ साउथ एशियन कंट्रीज यहाँ पे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज दिखा रखे हैं उसके पहले के नाम भी आपकी बुक में भी है वो भी दिखा रखा है देखिए बुद्धिस्ट न सिर्फ चाइना में या वेस्ट में बुद्धिज़म पहुंचा इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी पहुंचा आ, बुद्ध यहाँ पे पहुंच चुका था मैनी इंडियन ट्रेडर्स विजिट, विजिटेड एंड सेटल देयर बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स व्यापारी वहाँ पे गए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वहीं पे सेटल हो गए और इनमें से साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के जो नाम है वो है ब्रह्मदेश अब इसको म्यांमार पहले बर्मा बोलते थे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है ब्रह्मदेश स्वर्ण दीपा जावा सुमत्रा, बाली पहले इस पहले इसको किस नाम से जाना जाता था स्वर्ण दीपा वियतनाम पहले इसको चंपा बोलते थे कम्बोज कम्बोडिया कम्बोजा इंडोनेशिया को बोर्नियो ये कुछ प्लेसेस हैं जिससे हमारा कांटेक्ट था जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और जहाँ पे हिंदूज हैड मेड देयर कॉलोनीज़ उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है ठीक है तो इनके कॉन्टैक्ट के बारे में बता बता देता है राइट संस्कृत तो ये एक तो आपका कंडियाज कॉन्टैक्ट विथ साउथ एशियन कंट्रीज में एक प्रूफ मिला है कि संस्कृत वॉज देयर मेन लैंग्वेज उनका मेन लैंग्वेज संस्कृत जिससे ये और ये प्रूफ कहाँ से हुआ है वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं खुदाई करके वहाँ लिखे हुए संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए मिले हैं जिससे ये प्रूफ हो गया कि संस्कृत उनका मेन लैंग्वेज था एंड इन द केव ऑफ बोर्नियो बोर्नियो में केव्स uh, है वहाँ पे ट्वेल्व इमेजेस हैं किसके इसके सिवा गणेश नंदी सकंद महाकाल ये सब इंडियन गॉड्स हैं दैट मीन्स इट गिव्स ऑल्सो प्रूव्स दैट इंडियन गॉड्स वर वर्शिप्ड देयर एंड इट ऑल्सो प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजियन इसका मतलब वहाँ पे इंडियन कल्चर और रिलीजियन था तो ये सारा इसका प्रूफ है साउथ एशियन कंट्रीज हम इनमें से कुछ साउथ इंडियंस कंट्रीज ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में एक एक करके जानते हैं एक तो मैंने आपको संस्कृत लैंग्वेज का बता दिया एक आपके इंडियन गॉड्स व स्टिल वर्शिप ड अब मैं बाली के बारे में आपको बता रही हूँ द इम्पैक्ट इंडियज कॉन्टेंट विथ साउथ एशियन कंट्रीज में बाली के लिए रहते हैं बाली में अभी भी हिंदू कल्चर और रिलीजन कैन स्टिल भी सीन अभी भी है इवन वहां पे विष्णु शिवा गणेश रामा और कृष्णा की पूजा आज भी की जाती है इन जावा मैग्निफिशेंट स्तूपा जावा में एक स्तूप है बरोबुदुर बरोबुदुर, बरो स्तूप बरो है आप देखिए यहाँ पे हैड बिल्ड ऑन द हिल टॉप ये हिल टॉप में बना हुआ है एंड जस्ट ए मिनट ये हिल टॉप में बना हुआ है और देयर इज़ ए बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा यहाँ पे बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू भी है एंड नियरली हैड नियरली फिफ्टीन हंड्रेड बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन द कॉरिडोर्स और यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड बुद्धिस्ट पेंटिंग्स भी है कॉरिडोर्स पे तो आपके बाली और जावा में आपका हिंदू कल्चर और रिलीजन मिल गया इसका प्रूफ भी मिला हुआ है तो इससे क्या प्रूफ होता है हिंदी हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर स्टिल फॉलोड एट इन बाली एंड जावा है तो यहाँ पे हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन आज भी है और दी और ये देर आर द दे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट एक्सचेंज ऑफ कल्चर आर्क एंड आर्किटेक्चर बिटवीन टू कंट्रीज ये एग्जाम्पल्स है जो इनके साथ हमारा एक्सचेंज था कल्चर आर्क एंड आर्किटेक्चर दो कंट्रीज़ के बीच तो ये कुछ प्रूफ है एक तो आपका प्रूफ हो गया बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा है ना? और एक आपका आ गया इन इन द मैग्निफिशन सुपा एट बरोबुदुर, बदुर एट माइल्स फ्रॉम जकार्ता जो हिल टॉप में बना हुआ है तो ये सारे प्रूफ है जिससे ये प्रूफ होता है कि बाली और जावा के साथ भी हमारा कांटेक्ट था ये सारे साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज में आते हैं नाउ इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें भी हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चंपा के बारे में द रिफरेंस ऑफ चंपा इज फाउंडिन वायु पुराण चंपा वायु पुराण में इसका रेफरेंस मिलता है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था चंपा इन 192 नाइन्टी में यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिवा का शिव का मंदिर मिला है चंपा में साका एरा जो कि हमारा नेशनल एरा है वो आज भी यहां पे फॉलो किया जाता है इन कंबोज साका संवत एंड संस्कृत लैंग्वेज वॉज यूज देयर कंबोजा में साका जो कंबोडिया है अभी वहां पे साका संवत और संस्कृत लैंग्वेज आज भी यूज करते हैं एंड इन नाइन्थ सेंचुरी यशो वर्मा नाइन्थ सेंचुरी में यशो वर्मा ने नई सिटी निकाली थी जिसका नाम था यशोदपुर किसने निकाली थी यशो वर्मा ने इंडियन गॉड्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया वेर वर्शिप डेयर वहाँ पूजा की जाती थी ए लार्ज शिव मंदिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर भी बनाया गया इट वॉज़ ए ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग ऑल्सो ये वैदिक लर्निंग का भी सेंटर है इवन इतना ही नहीं कंबोडिया में कंबोडिया में एक अंकोरवाट विष्णु टेम्पल है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड ये सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल विष्णु हमारा इंडियन गॉड है सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल मिला कहाँ पे कंबोडिया में तो ये सारा हमारा इंडियन कल्चर इंडियन रिलीजन को दर्शाता है कि आ, ये इंडियन कल्चर और रिलीजन ना सिर्फ इंडिया में ये आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वेस्ट में सेंट्रल एशिया में वहाँ पे गया और इसका इफेक्ट उन हमारा इफ़ेक्ट उन पे क्या पड़ा और इसका इफेक्ट हम पे क्या पड़ा और ये मेन क्या है बुद्धिज़्म एंड इस टीचिंग पर दी मेन फैक्टर्स बुद्धिज़्म और उसकी जो टीचिंग्स है ये ही मेन फैक्टर है जिसके कारण हमारा कॉन्टैक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड वेस्ट एशिया के अलग अलग पार्ट्स में हमारा कॉन्टैक्ट हुआ इसका मेन रीजन क्या था जो बुद्धिज्म अशोका ने फैलाया दिस ऑल अबाउट लेसन नंबर नाइनटीन होप यू अंडरस्टैंड लेसन नंबर नाइनटीन वेरी वेल डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे